स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1-4 के क्वेश्चंस एक जैसे हैं। इनमें से मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है 2 sin² π/6 cos² (7π/6) × cos² π/3 = 3/2। अब हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी राइट हियर LHS लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 2 sin² π/6 + cos² (7π/6) × cos² π/3। अब देखें इसमें इसकी वैल्यू रखने से पहले इसे चेंज कराएं तो इसको देखिए मैं लिख सकता हूं sin π/6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos² (7π/6) × cos² (π/3) का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, देखिए sin π/6 means sin 30 degree, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। कोशेक को चेंज करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं π + π/6, वी कैन राइट हियर cosec 7π/6 = π + π/6 × cos π/3 cos π/3 means cos 60 degree cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए सॉल्व इट, 1/2 × 1/4 + cosec 180 + θ, तो 180 + θ किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec π/6 का होल स्क्वायर × 1/4। इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 1/2 + इसकी वैल्यू sin 30 का अपोजिट होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा × 1/4। Therefore, 1/2 + 4 × 1/4, that means 1/2 + 1/2 = 3/2। यही आर एच एस, देखिए राइट हैंड साइड में क्या होना था 3/2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आई सेम है, क्वेश्चन 1, 3 और 4 आई सेम आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 से ही क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखें दिया है sin 75 डिग्री, इसकी हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। अब 75 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से तो पता नहीं है, टेबल जैसे होता तो टेबल में 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज दी गई हैं जिसे आपने लर्न भी किया है, लेकिन यहाँ पर हमें जो 75 की वैल्यू फाइंड करनी है इसे हम टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से फाइंड करते हैं। ऐसे सभी एंगल्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे 75 है तो 75 को हम लिख सकते हैं कितना, 30 + 45, क्योंकि ये दोनों नॉन एंगल हैं, इनके हेल्प से हो सकता है 105 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो 60 + 45 डिग्री लिख लेंगे, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर 58 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, 45 - 30। तो इस तरह से
उन सभी एंगल्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेशियोज के साथ जिनका सम आइदर सम और डिफरेंस इस एंगल्स के रूप में लिखा जा सके, जिनकी वैल्यू हम लोगों को पहले से नोन हो यानी पता हो। यहाँ तो ऐसा ही एक यहाँ वैल्यू दिया हुआ है क्या साइन 75। अब देखो इसे जब हमको फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे इसको क्या साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री को लिखेंगे साइन 45 प्लस 30। अब ये हो गया देखिए साइन ए प्लस बी दोनों का सब कितना आएगा 75 आएगा। फार्मूला यूज करेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। कॉस 35 की वैल्यू होती है सॉरी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड नेक्स्ट कॉस 45 ये है 1/√2 साइन 30 होता है 1/2। नाउ सॉल्व इट एंड वी गेट √3/2√2 प्लस 1/2√2 एट दिस वी गेट √3 प्लस 1/2√2। स्टूडेंट इस तरह से हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल गई कितना आया √3 + 1/2√2। इसका सेकेंड पार्ट है टैन 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो टैन 15 डिग्री की वैल्यू भी हम लोग 45 - 30 करके फाइंड करेंगे। थैंक